days पता late. नहीं. Where is she? Where is she? Can I have all the students here, no. please? Please listen to me. क्या करें यार? What you have to do is, I'm giving you this. अभी तक क्यों नहीं आई? So this box is given to each group. So you need to put in the funds in the box and hand over to me by this evening. Is this clear? Okay, sure, guys. Okay, you carry on now. Okay. Excuse me. Yes. We are from Singapore University. Please. We're collecting funds for UC organization. Can you please help us? Oh, sure. Wow. Thank you. You're welcome. Excuse me, sir. Hello, ma'am. We're collecting funds for UC organization. Can you please help us? That's so kind of you. Thank you so much. It's for a very good cause, ma'am. Hi, sir. We've been collecting funds for the UCO. Would you please contribute something? Sir? This is okay? Yes, sir. Of course. Thank you, sir. Thank you so much. That's all right. यार मैं बहुत थक गई हूँ. यू गाइस कैरी ऑन. ओके बाय. हे हाय सर. शैल वी सर गो फॉर अ ड्राइव? सॉरी प्लीज डोंट बी. इट्स गिव एंड टेक. आई गिव व्हाट यू वांट एंड आई टेक व्हाट आई वांट. सॉरी I'm not those types. मेरा हाथ छोड़ो. ओह, तो हिंदुस्तानी हो? सुबह तक के लिए मेरी हो जाओ. देखो जो चीज मुझे पसंद आती है या तो मैं उसे खरीदता हूँ या उसे छीन लेता हूँ. तुमने जो मांगा मैंने वो दिया और अब तुम्हारी बारी है डार्लिंग. Leave my hand. Oh, chill. हिंदुस्तान में कितना भी चीखो कोई मदद के लिए कभी नहीं आता. तो ये तो विदेश है. तुम चाहे जितना भी चीखो चिल्लाओ कोई फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला. जंगली बिल्ली मुझे पसंद है. बेकार में इतना चीख रही हो. कोई नहीं आने वाला. Ain't nobody in the world got it special. Keep making dashing star. Monica, Monica. Keep on him, keep on him rain. Everybody come and say this name. Keep making massive star. Put your hands up to Monica. Cha, cha, cha. He's a killer boy walking on the way. Everybody make your way from this pain. He's a number one swagger. Hip hop, you want. Ain't nobody messing with the breaking leg and leg man.
मुल्क चाहे कोई भी हो, अगर हिंदुस्तानी लड़की मुसीबत में हो तब उसे बचाने के लिए कोई ना कोई फरिश्ता वहां जरूर पहुंच ही जाता है। सपोज फरिश्ते बिजी हो तो उनकी ड्यूटी मैं करता हूं। फरिश्ते आते होंगे, बट डू यू नो हु आई एम? सिंगापुर का किंग, गॉड ऑफ सिंगापुर। सेनेटर्स ओनली सन, स्पॉइल्ड ब्रैट, राहुल। ओह, ही नोज मी। जानते हुए भी इसे बचाने आया हूं। मारोगे क्या? मारपीट से प्रॉब्लम शुरू होती है, कभी सॉल्व नहीं होती है बच्चे। आराम से बात कर लेने से हल निकल आता है। इन्हें तुमने कितने पैसे देकर खरीदा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये समझ रहा हूं कि तुमने इन्हें अच्छे खासे पैसे दिए हैं। पहले ये आएगा, तुम्हें एक पुश, इसे एक पंच। ये 5 सेकंड हवा में रहेगा, फिर जमीन पे गिरेगा। नेक्स्ट ये अपने दोस्त को देखकर चुप नहीं रहेगा, ये जोश में आकर मुझ पर हाथ उठाने आएगा। इस हाथ से वहीं ब्लॉक, सॉलिड साइड किक, यहां से सीधा हवा में ट्रैवल करके उस दीवार से टकराएगा। ये सब देखकर उसका खून खौलेगा, ये सीना फुलाते हुए आगे बढ़ेगा। उसी तरह का एक ब्लॉक, सीने में एक सॉलिड पंच, दैट वुड बी समथिंग। मार खाने के बावजूद साइकोलॉजिकल फियर नहीं होता, सब एक साथ अटैक करते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो, मैं सिर्फ डायलॉग बाजी में ही सीन खत्म करूंगा? कवर देखकर किताब का पता कभी नहीं चलता है यारो। तुमने अभी अगर अपना इरादा नहीं बदला तो अफसोस, तुम्हें मेरा सामना करना ही पड़ेगा। हिम्मत है तो दिल को प्यार से जीतो, एवरीथिंग इज नॉट फॉर सेल। तुम अगर प्यार बांटोगे तो बदले में प्यार मिलेगा। Everybody make way for this man. He's the number one swagger, hip hop humor. Ain't nobody messing with the regular nigga, nigga man. Hey, what's up, man? Hey, what happened? Why you let him go? To love. Thanks a lot. I'm Manisha. I'm Jay. Shake it up! आप नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रिलैक्स, मुंबई की हो? नहीं, भंडार धारा के गांव की हो। ब्यूटीफुल लड़कियों को रात को संभलना चाहिए। कीप स्माइलिंग। एक हफ्ते से तू परेशान है, वो कौन है ये तू नहीं जानती, वो मिलेगा या नहीं ये भी नहीं जानती। Why are you even thinking about him? Forget him. Shake it up, shake it up. Bow, ba, 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 bow. How are you? Bow, ba, 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 bow. Bow, ba, 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 bow. पहचाना क्या? Oh, इसी एरिया में कहीं घर है ना तुम्हारा? I remember dropping you. उस रात वो गुंडे तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम
देखो कैसे चांस मार रहा है तुम पे। मनीषा, मनीषा, राइट। लुक एट दिस कोइंसिडेंस। इसी एरिया में मेरी गाड़ी को खराब होना था। कमिंग डूड। वन सेकंड। सो व्हाट्स अप? स्ट्रेंज, बाइक स्टार्ट हो गई। You know what a coincidence. I know. By the way, girls, I am Jay. Hi. Hi. अब तुम नंबर मांगोगे, फ्लर्ट करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? आप बहुत दूर का निशाना लगाती हैं। So, कॉफी? You have a coffee. We'll join you soon. Bye. बाइक बिल्कुल तैयार खड़ी है, सो चलें। सम अदर टाइम। अरे वो गया घर जाकर जय क्या कहा? हाय गर्ल्स। हाय। बाय। सॉरी, मैंने वहां आपको कॉफी ऑफर कर दी, बिल्कुल ओल्ड फैशन। हाउ अबाउट सम डिनर और वाइन? सॉरी जय, घर जाकर डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। सॉल्ट वॉल्ट सब सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। ओ हाय मनीषा। हे सरप्राइज्ड? एनीवे, डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है ये मुझे पता चला, इसलिए मैंने उसे अपने हाथों से प्रिपेयर करके तैयार रखा है। तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है, आसमान में देखकर स्टार्स काउंट करना पसंद है, फ्री वक्त में म्यूजिक सुनना पसंद है, इसके अलावा सॉरी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। सॉरी मनीषा, बट ही इज बीन सो स्वीट, इसलिए हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, कैन वी ईट नाउ? By the way, कल क्या प्रोग्राम है? I mean, वीकेंड पर मैं पार्टी कर रहा हूँ, it's going to be good fun, so क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? I know, next time, it's always a next time. But anyways, मैं इसी रोड से जाऊंगा, so just in case, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो, you can, okay? Nice breeze. You're okay? मुझे नहीं लग रहा है। Something wrong? Nothing, Jay. Actually, this is the best time of my life. Life हमेशा इसी तरह चलती तो कितना अच्छा होता ना? ये हमारी सोच है मनीषा, जो हमेशा खुश रहता वक्त उसका साथ देता है। मेरी लाइफ में मैंने जो सोचा वो कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मेरी फैमिली, मेरा गांव,
वहाँ के लोग सब अलग किस्म के हैं। दुश्मनी, नफरत, मार काट करते हैं। वहाँ के लोगों को तुम्हारी तरह प्यार करना नहीं आता है जय। स्टडीज के लिए यहाँ आना था तो बहुत मुश्किलों का सामना किया। पढ़ाई खत्म होते ही फिर से उसी नर्क में जाना होगा मुझे। तुमसे मिलने के बाद दिल करता है खुशी से जियूं, लाइफ को हैप्पीनेस से पूरी तरह भर दूं। हंसी खुशी जीने में क्या परेशानी है? यहाँ जितने दिन रही हंसी खुशी रही, पर ये खुशी मुझसे बहुत जल्द रूठ कर चली जाने वाली है जय। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। या? जो कुछ शुरू हुआ है उसे यहीं पर रोक दो। बेहतर होगा तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। सॉरी जय, यू हैव टू फॉरगेट मी। लेकिन कोई इंडिया से पढ़ने के लिए फॉरेन जाता है, पर तुम फॉरेन से इंडिया क्यों आए हो? एक लड़की की खातिर सर। हाय सुजी, हे रीटा, हे छी, क्या यार लगता है खाकी की कोई इज्जत ही नहीं है? पता है ना, एक बार सिंघम के हीरो ने भी ये खाकी ड्रेस पहन के एक्टिंग की थी, सुपरस्टार से भी ऊपर निकल गया वो। ये बेवकूफ लोग क्या जाने हैं? तू तुमने टुका की तो टुरा जनन तुमने सभी टुका भी जो टुका प्रमाण के पे गोड़े रे। एक मिनट, आपका ये चेहरा, आपकी ये हाइट, ये लुक, नहीं नहीं कोई चांस नहीं है। वो मूंछों के ताव और आपकी खुरदरी और छोटी छोटी मूंछें और ये चॉकलेट फेस। हाँ। जाओ यार, तुम क्या मुकाबला करोगे उससे? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? मेरे साहब एसीपी कमल चतुर्वेदी। एसीपी कमल चतुर्वेदी के साथ काम किया और यहाँ इस ड्रेस में, इस खाकी को देख के पूछ रहे हो? हाँ। वो एक लंबी कहानी है। हुआ ये की वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ सब की नींद हराम कर दी, इसलिए यहाँ से उनका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी हराम हो गई। गली का एक एक गुंडा मुझे एसीपी चतुर्वेदी समझता है और सब मेरा गला काटने के पीछे दौड़ रहे हैं। उसका डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं प्रमोशन ले लो, प्रमोशन ले लो। भाई दूसरे की पोस्ट का फायदा मैं क्यों उठाऊं? मैं आपसे ग्रास की बात कहूं, मैं यहाँ बहुत आराम से हूं। जब जी करता है आता हूं और जीप गरम करके लौट जाता हूं। और एक सीक्रेट बताऊं, यहां कंपटीशन बहुत कम है, बहुत सही है। ये कौन है? शिवा नाम है उसका, मवाली है और सीनियर स्टूडेंट है। कॉलेज धक्का देती है फिर लौट आता है। ये कभी पास नहीं होता, लेकिन कॉलेज वाले फेल हो गए क्योंकि इसे पेन से ज्यादा हाथ चलाना पसंद है बॉस। वो लोग कहाँ हैं? क्लास में होंगे भाई, उन्हें उठाकर मेरे पास लाओ। साहब का ट्रांसफर यहाँ से क्या हुआ कि छिपकली, बंदर, भैंस, ऊंट सबके पार निकला है। पता नहीं इसे रोकने वाला कब आएगा। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? बहुत से दुश्मनी लेकर जिंदा रह पाओगे? ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। उनके बदले मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। दोबारा यहाँ नजर मत आना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कौन है रे तू? आपका फ्रेंड हूँ बॉस। जो आपका दुश्मन है समझ लो मेरा भी दुश्मन है।
इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले नालायकों की खबर लेते हैं। ये बताइए, इस तरह के मामूली लोग भी आपसे पंगा लेंगे तो आपका लेवल कैसे मेंटेन होगा बॉस? हाँ, इस तरह के लल्लू पंजू लोगों को मारने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मुस्टंडे ये सब हैंडल नहीं कर सकते। ए, चलो निकलो। न्यू एडमिशन है। जी बॉस, आज ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है। ठहरे कहाँ पे हो? हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है, तब तक यहाँ कोई जरूरत नहीं। हाँ भाई, हमारे रूम में रहेगा याद से। चलेगा। वीर प्रताप सिंह, बैंक मैनेजर वीर प्रताप सिंह। मेरा नाम सुनते ही पूरा शहर गड़गड़ करके हिलने लगता है। ऐसे में छोटा सा सूटकेस लाने के लिए मुझे इंतजार करा रही है। कहाँ है वो, कहाँ है वो? कितनी देर लगा रही हो तुम? हे, ताजमहल जैसा घर बनवाया मैंने, अंदर जॉगिंग करने जितनी जगह है और तू बाहर बैठकर नेल पॉलिश लगा रही है। क्या कहूँ तुझे? अरे यार, क्या हुआ जीजू? मेरे जीजा का चिता जलाने के लिए यमदूत लोग आ रहे हैं, तू जान जा। ए, जगताप। जगताप नहीं साहब, प्रताप। हाँ भाई, ऑफिस जा रहा है क्या? और कहाँ जाऊंगा। ये विजय मेरा फ्रेंड। हे डूड। हेलो सर। नाइस हेयर स्टाइल। हे, थैंक यू। हमारे ओनर वीर प्रताप सिंह। वैसे तो मैं वीर प्रताप सिंह ही हूँ, लेकिन इनके आने के बाद टॉप वाला वीर को कट करके डाउन वाले सिंह को साइड करके सिर्फ प्रताप को ही मैंने रखा है। देखिए, इतना ही है। बेकार कॉमेडी बंद करो और जाकर हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ, हम ऊपर ही बैठे हैं। हेलो सर, चाय? बैंक जाने का टाइम हो गया है। चाय मैं बना देती हूँ जीजा जी। नहीं, आप बैंक जा रहे हो ना, इसलिए चाय तू बना कर दी। तू अंदर जाओ, कॉफी भी तो ही बनाएगी। तूने ये सब कब बनाना सीखा? चलो अंदर। यहाँ एक ही बेडरूम है और उसमें जगह नहीं है, तुम यहीं कहीं एडजस्ट कर लो। hey, गंदगी में रहने की आदत है तुम लोगों को, बेडरूम क्यों चाहिए? यहीं पड़े रहना, बेडरूम में ये मेरे साथ रहेगा। अरे राजू कहाँ गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बस थोड़ी देर में आ ही रहा है। टेक इट। थैंक यू। वेलकम। आप नीचे रखिए ना सर। क्या? अपने पैर। ट्रे रखनी है। लीजिए। इस एक्स्ट्रा लगेज का क्या सोचा है? सोचना क्या है? वो क्या है, 500 रुपए भाड़ा और 2000 रुपए खाने का लगेगा। एक्स्ट्रा किस बात का, वही एक रूम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई साहब। थिएटर खाली है ये सोचकर कोई अंदर फ्री छोड़ता है क्या? टिकट लेकर ही जाना पड़ता है ना, वैसा ही है ये। जगताप। जगताप नहीं सर, प्रताप। कल मेरा बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे सर, कांग्रेचुलेशंस। अपने बैंक से कल 1 लाख रुपए लाना मत भूलना। 1 लाख रुपए काय को? पार्टी मनाने के लिए। कितना बढ़ गया है, तुमने मेरे कितने उड़ा दिए। क्या हुआ, क्या हुआ, तू इतना क्यों हंस रहा है? भले ही ऊपर वाले ने मुझे ताकत नहीं दी हो, फिर भी इमेजिनेशन करने के लिए अच्छी सोच दी है। बहुत बढ़िया, लेके आ जाऊंगा मैं, पार्टी मनाएंगे हम लोग। Thank you. It's okay, sweetie. बुजुर्ग कह गए हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। देख लिया क्या? सब कुछ देख लिया चिच्चोर। मैं आपसे काफी इंप्रेस्ड हुआ। इससे पहले मैं ऐसा नहीं था भाई। तो फिर कैसे थे? उस वक्त मेरा प्रताप ही कुछ और था।
जीप है। वैसे मैं गाड़ी से बच रहा था, मुझे नहीं पता कि वो जीप है। जब इस ओनर की गाड़ी मर्सिडीज आती है तब तो रास्ते में ये खटारा लेकर खड़ा हो जाता है। चल हटा इसे, हटाना। हमेशा ये डर रखना, मैं कौन हूँ? वीर प्रताप सिंह हूँ। बात यही खत्म नहीं हुई, अगला एपिसोड देखिए। क्या हुआ सर? क्या लगा रखा है? क्या है सर? क्या है? ये क्या है? बियर की बोतल? नहीं, मैंने तो समझा था ये फिनाइल की बोतल है। मैं तुझे और कितनी बार समझाऊं? दोबारा कभी इधर बियर की बोतल देखा ना तो सेड़ कर सकता मैं। चल 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 निकल, भाग यहां से। घमंड था सर मुझे। बैचलर लोग तो बियर को नींबू पानी के जैसे पी जाते हैं। सिगरेट का पूरा पैकेट पी जाए तो भी ठीक है, लेकिन उसे देखकर हमें चुप रहना चाहिए? नहीं रहते हैं, घमंड जो है। टाइम क्या हुआ है? 11:30 सर। 11:30 बजाए, ये तू कितना इजीली कह रहा है। जिस घर में जवान लड़की है उस घर में इतनी रात आने की तूने हिम्मत कैसे की? चले काम कर तू, मेरी बीवी और साली अंदर बैठी है इसीलिए तो चुपचाप सीधा अंदर जा। जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। किधर जा रहा है? जाने के लिए कहा था, तू बुलेट की तरह अंदर घुसा जा रहा है। ए, हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनो। हेलो, रात में तू बहरा हो जाता है क्या? इतना ही नहीं, वो मुझ पर बरस पड़ा और मेरी हड्डी पसली कर दी। सच कहो तो कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या करना है सर? हम क्यों टांग अड़ाए? सभी लोग मेरे जैसा ठीक 5 बजे आकर कुछ देर न्यूज देखकर जो मिला उसे खाकर सो जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, है कि नहीं? उनकी मर्जी उनकी जिंदगी सर। ये तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम ये पूछने जाए तो मेरे जैसे ओनर का यही हाल होगा ना। घमंड है सर, हम जैसों को घमंड असल में आ रही है। नहीं देखो सर, कहाँ जा रहे हो? मैंने जो भी आपसे कहा उससे कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। यहाँ रिलैक्स, यू वांट टू डांस विद हिम? गेट रेडी, बस आपका बर्थडे है तो सोचा आपके अपने आपके आसपास ही होंगे। ऐसे कैसे आसपास रहेंगे? सबके अंदर डर मेंटेन किया हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव अ ड्रिंक? अपने हमेशा प्यार से करीब रहते हैं, इस तरह डर कर दूर नहीं, समझे ना बॉस? थैंक यू। अच्छा बॉस, आपकी लाइफ में ये गैंग और लफड़े ही है और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है? इस एज में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या है? गर्ल्स, एक्सक्यूज मी, कैन वी डांस? श्योर, ट्राई करके देखो, इट्स अ मैजिक। मैं डांस विद यू, कम कम ऑन। कोई जादू किया है, हवा का रुख ही बदल के रख दिया। इससे पहले कि वो हमारी हवा निकाल दे, बेहतर होगा हम दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लें। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। प्रताप जी, जी क्या कहा? मुझे अचानक इतनी इज्जत? वो लास्ट मंथ का रेंट बैलेंस रह गया था, मैं वही देने आया हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप मुझसे नाराज है तो आप 4 चाटा लगा लीजिए, लेकिन आप जो इज्जत दे रहे हैं उसे देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं, ये ले लो, ये शिवा अलग है, वो शिवा अलग था। ओह या 100%। ये चेंज उस वक्त होना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ट्रांसफर भाई साहब। कहाँ पे? अरे वो बीदर गांव से आगे, वो सुल्तानपेट में। अरे वो तो हमारा गांव है। तुम्हारा गांव? हाँ, वहाँ आप कहाँ ठहरेंगे? और कहाँ भाई साहब, जब तक गवर्नमेंट मुझे क्वार्टर नहीं देती तब तक पता नहीं कहाँ रहना पड़ेगा, मजबूरन जो भी जगह मिलेगी रह लूंगा। हमारे गाँव में आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहोगे? कोई चांस ही नहीं। तकलीफ
नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पुराना सिद्धांत है। आपने सही कहा, बहुत सही सिद्धांत। माँ से बात कर ली है, आप हमारे घर में रहेंगे। अरे रे, तुम इतनी इज्जत दे रहे हो तो मैं तुम्हें ना कहकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू मैं क्वार्टर में रहूंगा क्या? अकल का ढीला है। लाख रुपए दिए मैंने ट्रांसफर के लिए। ऐसा क्यों? क्यों? इस नालायक की औलाद ने जिस तरह मुझे गोली देकर मुझसे लाखों रुपए खर्च करवाए हैं, उसके बदले मैं इसके घर में रहकर 1 का 3 गुना अगर वसूल नहीं किया मैंने, तो मेरा नाम वीर प्रताप सिंह नहीं है। सुनिए प्रताप जी, जा रही हो? Everything will be fine, okay? Thank you. के लोग हमें मिल गए हैं भैया, आंखें खोलो और देखो, देखो इन्हें। के चिराग के बुझने का दर्द सहा नहीं जा रहा, उसे याद करके रोज तिल तिल कर मर रहा हूँ। आज तुम भी देखो कैसे दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करता हूँ भैया। और से देखो इन्हें, आपकी ऐसी हालत करने वाले उन कमीनों को जब तक एक एक करके काट कर उनके टुकड़े चील कौवों को ना खिला दूं, तब तक मेरी छाती में बदले की आग धधकती रहेगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रो, यार अपने को 30 दिनों की छुट्टी मिली है, क्या कहता है सिंगापुर होकर आए? 1 महीने के लिए सिंगापुर कौन जाएगा ब्रो? सोच रहा हूँ यहीं कहीं घूमा। इससे बेटर है तो मेरे साथ मेरे गांव ही चल। इतनी जल्दी तैयार हो गया? 1 मिनट का वक्त दे यार, मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है। अब चल। उसने कहा चल तो देखा कैसे 1 मिनट में कपड़े बदल लिए। इसके चेहरे से लगता है ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। ये असल में है कौन? ए, लगा जूठा। डूड, हम लोग आ रहे हैं इस खुशी में, हो ना वो मुर्गी या बकरा जरूर हलाल हुआ है यहाँ। आ जा। कैसे हैं पापा? अकेले कहीं आने जाने की कोशिश मत करना, हालात कुछ ठीक नहीं है, समझ गए? ठीक है पापा। पापा ये मेरा फ्रेंड है विजय। हेलो अंकल। फॉरेन रिटर्न है इसीलिए कुछ पता नहीं। चल अंदर चल।
शिवा माँ मेरे लाल, तुझे अभी घर की याद आई? एक बार में नहीं सोचा कि तेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा? वो सब छोड़ो माँ, ये मेरा फ्रेंड विजय। नमस्ते बेटा। अरे अरे रहने दो। साक्षात देवी का अवतार है आप। सालों बाद ऐसा लुक देख रहा हूँ। तुम लोग ने कुछ खाया? भूख इतनी लगी है। तुम लोग कमरे में जाओ, खाना तैयार होते ही मैं आवाज दे दूँगी। जरा तीखा बनाना माँ। हाँ ठीक है। अरे वाह छोटी माँ। हाँ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ शिवा। ये मेरी छोटी माँ। छोटी माँ? हाँ। ओ इनको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये छोटी माँ। जरा सी उम्र दराज होती तो मान भी लेता, लेकिन छोटी माँ तो बिल्कुल। ये छोटी पापा। हेलो अंकल। भैया तू यहाँ कब आई? वो सब छोड़िए, नया स्टाइल नए कपड़े। क्या करूँ ये कमाल इसका। मेरा फ्रेंड विजय, मेरी बहन मनीषा, छोटी माँ की बेटी। Baby, I love you, Sony. मुझमें जो भी बदलाव है उसका कारण यही है। चल। चाचा जी, ये मेरा फ्रेंड विजय, हम साथ में पढ़ाई करते हैं। ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। सॉरी डूड, ये तो एकदम डेंजर है। देख भाई, चाचा जी से जरा सावधानी रहना। ये कोई डॉन वोन है क्या? छोटे बाबा ही है ना? बाप चल। जय। हाय। खुद का ख्याल रखना यहाँ। हमारे पास एक ही लाइफ है मनीषा। ये पुनर्जन्म की बात है, मैं नहीं मानता। इसी लाइफ को हम अच्छे से नहीं जिए तो क्या जिए? एंड आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, दैट्स इट। भैया को जैसे तुमने बदला, उतना आसान नहीं है घर के सारे लोगों को बदलना। आई नो, फिर भी कोशिश करते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग बेबी। बेबी आई लव यू सोनी, बेबी आई लव यू सोनी। हमारे आदमियों को मारकर इस बार दुश्मन ने सारी हदें पार कर दिए भैया। आज के बाद मुझे वीरा के हर कदम के बारे में पता चलना चाहिए। माँ दुर्गा की कसम, उसके सर की बलि नहीं चढ़ाई तो जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हे मुस्सा प्रताप। सर मुस्सा प्रताप नहीं, प्रताप सर। आप मुझे मुस्सा मुस्सा कहकर क्यों बुलाते हैं, इसका क्या मतलब है? वो सब छोड़ो। हाँ। इतनी रात तक क्या कर रहे थे तुम? वो बैंक में बहुत काम था सर। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं सर, इस इज्जत अफसाई के लिए बहुत शुक्रिया। इज्जत की बात छोड़ो, तुम हमारे आदमी हो, ये अगर हमारे दुश्मनों को पता चलेगा तो तुम्हें काट कर रख देंगे। ओके बाय, लव यू। ब्रो, सही टाइम देखकर तुम्हें मेरे घर वालों से मेरे प्यार के बारे में बात करनी होगी। प्लीज 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 यार। अभी अभी तो प्यार करना शुरू किया, पहले कुछ दिन एंजॉय करो। व्हाट्स द हरी, कम ऑन। हाय। नमस्ते। हाय। क्यों सर, कैसे हैं आप? वीर प्रताप सिंह जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि इन्होंने यहाँ एक साल रहने का फैसला कर लिया। क्या है, क्या है? और हमारे पापा भी ऐसे ही हैं, वो इन्हें इतना पसंद करते हैं कि इन्हें मुस्सा बुलाते हैं। अच्छा। सर ये मुस्सा क्या होता है? लंगूर होता है। आपके पिताजी मुझे लंगूर कह के बुलाते हैं? मैं मुस्सा का मतलब बहुत बड़ा आदमी समझ रहा था। उन्होंने मेरा करेक्ट नाम रखा, बिल्कुल करेक्ट। हेलो विजय को मैंने अपने प्यार की सारी बातें बता दी, अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सर शहर में था तो मैं कितना अच्छा था, यहाँ के तो मैं बूढ़ा ऐसा लगता हूँ सर। क्या करूँ सर? सर 1,00,000 रुपए देकर ऐसे नरक में अपना ट्रांसफर करवाने वाला सबसे पहला महाबेवकूफ मैं ही हूँ सर, मैं ही।
क्या कह रहे हो? ऐसा क्या हो गया? सर, आप अपने इमेजिनेशन में अपने आप को लेकर जरा सोचिए। सर, एक विलेज कैसा होता है? मुर्गा बांग देता है, किसान हल जोतता है, दोपहर में भात चटनी खाता है। ये इमेजिनेशन बैठा कर मैं एक साल तक यही रहूंगा, यही सोच कर मैं सबसे प्रॉमिस करके आया हूँ सर। तो फिर अब क्या हुआ? सर, इन जानवरों के गांव में मीठे बोल तो दूर की बात है सर, ये तलवार और चॉपर से ही बोलते हैं। जैसे पेड़ की टहनियाँ काटते हैं ना सर, उसी तरह यहाँ पर लोग हाथ और पैर काट के फेंकते हैं सर। और अगर समझाने जाओ तो मदर सिस्टर सब लोग अलग ही तेवर में बाहर निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? आप हंसिए मत सर, इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ सर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। अरे, इतनी तकलीफ है तो आप जाते क्यों नहीं है? सर, हम लोग बैंक वाले हैं सर, उधार लेकर फरार होने वाले नालायकों को जैसे हम दबोच लेते हैं, उसी तरह मेरी जान पर जब बन आए तो मैं यहाँ से भागने का आइडिया बिना सोचे रह सकूंगा सर? सोचा था। क्या सोचा था? क्वार्टर में जाकर सेटल हो गया था सर। हाँ। ये लोग वहाँ कर मुझे मार मार कर हाथ पैर बांध कर एक बोरी में भरकर साइकिल में लाद कर यहाँ लाकर फिर से लाश की तरह पटक दिया था सर। और मैंने पूछा तो कहते प्यार है सर। इन नालायकों का खाल उधेड़ कर भूसा भरकर जलाने को दिल कर रहा है सर। सर, जो कुछ भी मैंने कहा वो यहाँ किसी ने सुना तो नहीं ना? मैं बता दूँ क्या? अपनी जुबान बंद रखे, हर वक्त मुझे डराते रहते हैं। मैं तो चला यहाँ से। मालिक, आ बेटिया, ये मेरी बेटी है, इसका नाम पद्मा है। इस वर्ष परीक्षा में ये पूरे जिले में अव्वल आई है। ये और आगे पढ़ना चाहती है मालिक। अभी जो नया कॉलेज बना है वो लोग बहुत फीस मांग रहे हैं, इसीलिए आप एक बार उनसे बात कर ले तो। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे काम पर भेजो। ये भी तुम लोगों के जैसा घर का काम करेगी तो क्या बुरा है? मुंह खोलने से पहले इंसान को ऊंच नीच का फर्क पता रहना चाहिए। आज पढ़ाई के लिए मदद मांग रहे हो, कल हमसे इसके लिए रिश्ता भी मांगोगे तो क्या हम दे देंगे? मेरी बात मानो, इसे इसकी माँ के साथ काम पर भेज दो। आप खड़े क्यों हो? चलो जाओ। ठीक है, ठीक है, चल बेटी। यहाँ लोगों का बिहेवियर कितना अजीब है, किसी को भी सॉफ्ट तरीके से बात करना तो आता ही नहीं। जैसे मुझे बदला इन्हें भी बदलने की सोच रहे हो क्या? गुंडागर्दी भुलाकर मुझे तो प्यार करना सिखाया, लेकिन इन्हें जिंदगी भर नहीं बदल पाओगे। बदलूंगा। लाइफ इज ब्यूटिफुल डूड। बदलूंगा। फातिमा इस तरफ किस लिए आ रही है? शायद उसे पैसों की जरूरत है। सुनिए सुनिए मालिक, मेरे लाख नाना करने के बावजूद मेरे शौहर पूरी जिंदगी आपके लिए, इस घर के लिए दुश्मनों से मार काट करते रहे और इस दुनिया से चल बसे। विधवा होने के बाद भी मैंने आपसे कभी मदद नहीं मांगी। मालिक, मेरा इकलौता बेटा है मालिक, अभी अभी वो सिर्फ 16 साल का हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शामिल होकर अपने बाप के कातिल को मार दूंगा ऐसी बातें करने लगा है। मेरी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, आप ही उसे जरा समझाइए और उसे मेरे साथ वापस भेज दीजिए। अरे वो मर्द है और मर्द लोग हमेशा शेरों के बीच रहते हैं, तो जाओ। और उसे कुछ हो गया तो? तुम्हारे साथ काम करने वाले अपने पति को खोकर मैं विधवा बन चुकी हूँ, एक ही सहारा बचा है मेरा, उसे भी छीन लेना चाहते हो? कहीं नहीं जाएगा, वो अपने बाप के कातिल से बदला लेगा। कोई बीच में नहीं आएगा, वरना काट दूंगा चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। अरे भाई शिवा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपके भाई कहाँ है? वो अंदर कहीं फोन पे बात कर रहे हैं। जब से आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि वो मोबाइल में सिम के जैसा चिपका रहता है। उसे छोड़ो, विजय भाई कहाँ है? इस घर में हर किसी को मुंह से ज्यादा हाथ से बोलना ज्यादा पसंद है क्या? आपने क्यों मारा, क्या ये पूछ सकता हूँ? अब थप्पड़ नहीं, जान से मार डालूंगी। ऐसा क्यों? विजय भाई, ये क्या है? उसने तुमसे कहा उसे विजय भाई बुलाओ? कहा तो नहीं, फिर भी वो आपके भाई के फ्रेंड है ना, तो भाई कहकर अगर कहूंगा तो इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा कोई रूल है क्या? अरे नहीं नहीं बहना, कोई रूल्स नहीं है, मेरी गलती है। आप कर क्या रही है? दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई
इस रेंज में हीरो का लुक देते रहोगे तो इस संसार में कोई भी लड़की तुम्हें भैया कहकर नहीं पुकारेगी। सर, हेलो सर, सर नमस्ते सर। हेलो सर, आज का एक हॉट न्यूज आपको बताऊं क्या? क्या है सर? इस घर में सिर्फ मर्द लोग ही नहीं हाथ उठाते सर, यहाँ औरत लोग भी मर्दों की तरह धड़ाधड़ चाटा लगाती है सर। किसने मारा सर? आपने इस विलन को किस सोप से धोकर इस तरह क्लीन करके अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसा बना दिया सर? मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, किसी की तरह इसके घर वालों को भी जरा धो धा कर क्लीन कर दो ना। ये सर, कैसे हो सकता है? क्यों सर? इसे मैंने आपकी साली से भिड़ा दिया। हाँ? इन घर वालों को यानी आपकी नहीं मेरी नहीं आपकी नहीं भिड़ा उसकी... दिया का क्या मतलब है सर? मेरी साली को चारा बनाकर आप शेर को खिला ना, 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 नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। वो और आपकी साली यू नो डीप लव में है। क्या लव? मेरी साली से बात कर कर किस तरह गोभी की फूल की तरह खिलखिला के हंस रहा है सर। भाई सर, अगर इसके परिवार वाले को पता चला कि मेरी साली से प्यार करता है तो मेरा कीमा बना देंगे सर। ये लोग ऐसे कैसे बना देंगे? मैं हूं ना रोकने के लिए, मैं रोकूंगा। ठीक है सर, इस हनुमान के साथ ये राम है, इसीलिए मैं इतनी हिम्मत के साथ रह रहा हूँ सर। नो थैंक यू सर। सर ये भूत प्रेत शैतान हमें सिर्फ डराते हैं, कुछ करते नहीं है सर। गलती से कभी रात में इन घर वालों का चेहरा सपने में आ जाता है ना तो मेरी बिस्तर की हो जाती है सर। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाता है सर। मुझे घर जाना है सर, मैं घर जा रहा हूँ सर, मैं चलता हूँ सर। ओके बाय सर। मालकिन, मालकिन क्या हुआ? फातिमा ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे अस्पताल ले गए हैं। मैंने कहा था बेटी की ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन उसने मेरी बात कहाँ सुनी? आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। तुम ये सब उठाकर उसके साथ जाओ, एक भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल चलते हैं। मालिक, अगली बार जब आप किसी को मारने जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। से नहीं जाएगा। इसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है। भैया, मेरी मां को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? अपनी मां से कहना मैं गुजरे हुए पिता के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए सांसें ले रहा हूं। तेरी माँ चिंता लौट आएगी। माँ, 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 ये तुमने क्या किया माँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मेरा यकीन करो माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। भैया, भैया आप माँ को समझाओ ना, मैं अब से पढ़ाई करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा। आज के बाद ये आपकी हर बात मानेगा, इसे कहीं दूर ले जाकर पढ़ाइए और खुशी से रहिए। ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा, उस घर के मुखिया ने दिए हैं। क्या का? ओके ओके। आप नहीं मारेंगे तो एक सीरियस मैटर है। क्या है बताओ? मुझे अपनी बीवी से बात किए 2 दिन हो गया सर, एटलीस्ट वो कैसी है मैं पूछ लूं क्या? होम सिक का मरीज बन गया हूं सर। पूछता हूं। डॉल, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? ये हमारे साड़ू साहब पूछ रहे हैं। उन्हें क्या, वो तो बिल्कुल भैंसे हो चुके हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा बोलो क्या कह रही थी। हाँ? आपने पूछ लिया क्या? हाँ पूछ लिया बाबा। ठीक है,
आप बात कीजिए। बात ही कर रहा हूँ ना। कीजिए ना, कीजिए ना। हाँ। बिल्कुल। मैं तो यहाँ। टेंशन। गुड नाइट। बात कीजिए। तुम्हारे जीजा जी ना। नमस्ते मालिक। क्या हुआ फातिमा इतनी रात को यहाँ? पत्थर से बनी हवेली में रहने वालों का दिल भी पत्थर का होता है ऐसा मैंने सोचा था। आप जैसे रहमदिल इंसान भी रहते हैं, ये आज पता चला। आपके घर की वजह से मेरी पति की जान गई, इसलिए मैंने आप लोगों को श्राप दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। आप मेरे लिए फरिश्ता है मालिक। आप लोग हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए। मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपने मेरी मदद की। मैं भी अपनी जिंदगी गिरवी रखकर इसे खूब पढ़ाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मालिक, मेरे बच्चे की जान आपकी है। मैं जहां कहीं भी रहूं, आपकी सेहत के लिए और इस घर की खुशी और सुख शांति के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती रहूंगी। अब चलती हूँ मालिक। नफरत को मकसद मान लिया था मालिक, लेकिन माँ के प्यार के आगे सब बेकार है, ये आप ही ने सिखाया था ना। जन्म देने वाली माँ ही नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा मालिक। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ मालिक। आशीर्वाद दीजिए। चलता हूँ मालिक। मैं आ सकता हूं? बाद में बात करता हूं। जी अंकल। देखो मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, इस घर के बारे में हो, इस घर वालों के बारे में हो, आज पहली बार किसी ने अच्छा कहा है। सुना है कि इसकी वजह तुम हो, पैसे तुमने देकर मदद की और नाम मेरा लिया। वो आपके अपने हैं सर, आप सब पर विश्वास करके जीते आ रहे हैं। मैं कौन हूं ये वो नहीं जानती। मैं उसे पैसे देता, वो सोचती कोई आया था, हम पर तरस खाकर पैसे दे गया। ये भी हो सकता था कि वो ना लेती, ये तो आपका प्यार है जो उसे दया के रूप में मिला है। बाय द वे, इस गांव के लोग आपके घर के दरवाजे तक या फिर आपके घर आते हैं, वो क्यों आते हैं सर? ये घर बड़ा है इसलिए नहीं, लेकिन ये सोचकर आते हैं कि इस घर में एक बड़े दिल वाला इंसान है। औरों पर अपना रौब झाड़ना मेरे हिसाब से बड़प्पन नहीं है सर, लेकिन लोगों को अपने गले से लगाकर उन्हें प्यार देना बड़प्पन है। लोग हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका फायदा उठाना सरासर गलत है। छोटे मुंह बड़ी बात कह गया, माफी चाहता हूं। घर की बच्ची है, पढ़ने से मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। आज वो पूरे जिले में फर्स्ट आई है। अगर वो आपके कॉलेज में पढ़ेगी तो और आगे बढ़ेगी और आपका भी नाम रोशन होगा। करेक्ट सर, पर एक भी फ्री सीट खाली नहीं है सर। उसे एडमिशन चाहिए तो डोनेशन देना होगा। डोनेशन? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर दिया तो सिर्फ मैं ही पुण्य कमाऊंगा। तुम भी पुण्य कमा लो, उसे सीट दे दो। सर, अगर हम इसी तरह सीट फ्री बांटते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा सर? विद्या को बिजनेस बना रखा है, शराब की दुकान खोल लो, बहुत कमाओगे। कल से बच्ची कॉलेज में आएगी और उसे देखकर और भी बच्चियां आ सकती हैं। दोबारा ये बकवास इस केबिन में ना हो, समझ गए? ठीक है सर।
मैंने बात कर ली है, कल से यहाँ आ जाना। शुक्रिया मालिक। भैया, मनीषा के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पासी के गांव का है, कल उसे देखने आ रहा है। अब ये शादी वादी का क्या चक्कर है? दिमाग खराब हो गया सबका। अरे शादी का नाम लेते ही सब लड़कियां खुशी से उछल पड़ती है, और तू है कि ये क्या तरीका है? एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ये बात हमें भी अभी अभी पता चली है। देवर जी ने रिश्ता देखा है। कोई भी देखे, मुझे उससे क्या, मुझे उस लड़की की सूरत नहीं देखनी। ये फल ले जाकर टेबल पे रख दो। अब जय, चाचा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया है। पता है? पता है, पता है, फिर भी कुछ ना कुछ करो ना विजय, प्लीज। लड़का तुम्हें देखने आ रहा है, शादी नहीं हो रही है। कूल, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। मेरे बड़े भाई का लड़का, आपका साला। हाय। रविकांत नायक, नाम तो सुना ही होगा। उदयपुरी में एक साथ 6 लोगों को काटने वाला जाबाज मर्द मैं ही हूं। हे मुस्सा प्रताप, कहाँ जा रहे हो? सर मुस्सा प्रताप नहीं, सर प्रताप, बैंक जा रहा हूँ सर। रुक जाओ, आज घर में एक शुभ कार्य हो रहा है। रोज खून खराबा करने वाले जल्लादों के घर में शुभ कार्य हो रहा है। अच्छा सर, अच्छा सर। ये है रविकांत नायक, ये हमारे मनीषा को देखने आए हैं। नमस्ते सर। अच्छी बात है सर, शादी की बात करने आए हैं। सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही लाए हैं, आपके मम्मी पापा नहीं आए हैं। सभी को साथ ले जाने में प्रॉब्लम होगी, दुश्मन थोड़े ज्यादा है ना। क्या बात, अभी तक लड़की क्यों नहीं आई? यहाँ जल्दी बुलाओ उसे, एक जगह पर मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। हेलो, किस गांव के हो? यमराजपुर। सभी एक ही थाली के हैं। कितनी गाड़ी लाए हो? 6 गाड़ी लाए हैं, 2 यहाँ खड़ी के, 4 आगे हैं। कितने लोग हैं? 30 लोग। अप एंड डाउन में कितना खर्च होगा? 30,000। चाय नाश्ता खाने पीने में कितना खर्च होगा? 50,000। ओहो, लेकिन क्यों? 50,000 रुपए? क्या, बस यूं जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया। आगे बिटिया, लड़की ओके, नाम क्या है? मनीषा। मैं रविकांत नायक हूँ, जरा कॉफी पिलाओगी? इन्हें कॉफी पीनी है, दे दो। देवर तो काफी तीखे हैं तुम्हारे, हमारी जोड़ी जमेगी। मुझे लड़की पसंद आई। पढ़ाई कहाँ तक की है? SSC तो पास किया है ना? फॉरेन से MS कर चुकी हूँ। सिर्फ MS? SSC तक पास नहीं किया तुमने? हेलो, 50,000 का बहुत ब्याज आता, लेकिन इसे मालूम नहीं कि इस घर के लोग लंगोट भी धोती फाड़ कर पहनते हैं। लड़की तो मुझे पसंद है, घर वालों से बात करके खबर करता हूँ। उस गवार को MS और SSC के बीच का फर्क नहीं पड़ता, आप उससे मेरी शादी करवाएंगे? मैं उसे अपना पति कैसे मान लूं माँ, वो मेरे लायक ही नहीं है। तू पढ़ना चाहती थी तो सबको किसी भी तरह मना लिया, लेकिन तेरी पसंद के लड़के से ही तेरी शादी करवाने का प्रस्ताव रखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, बात समझा करो। अरे लड़का कितना जाबाज है, वाह वाह वाह, दिखने में कितना अच्छा है। इतना अच्छा लगा आपको तो खुद ही जाकर शादी कर लो। इस उम्र में शादी इनको शोभा नहीं देगा। हेलो, कैन आई कम इन? हां आओ। थैंक यू। क्या चल रहा है? अब तुम ही बता, उस लड़के में कोई कमी नजर आई क्या? वैसे तो हट्टा कट्टा है ना? हाँ, बट उसके नाम में जरा प्रॉब्लम है। रविकांत नायक। नायक तो ठीक है, लेकिन उसके नाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जरा सोचो,
बड़ी गाड़ी से उतरा, व्हाइट एंड व्हाइट पहना था, बाकी सब गाड़ियां भाड़े से लाया होगा, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके आसपास जो गुंडे थे एकदम भयानक थे, उनको देखकर मुझे लगता है कि उसका दो नंबर का कारोबार होगा, उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे, दैट इज व्हाट आई फील। वो भी ओके, आज वो बैचलर है, उसके फंटर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ ओके, लेकिन कल शादी के बाद उसके साथ कौन रहेगा? ये रहेगी। करेक्ट, करेक्ट टाइम देखकर दुश्मन उस पर अटैक करेंगे, ऐसा मान लो तब क्या होगा? सब गोविंदा। वो मर जाए तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे बच्ची की किस्मत खराब है, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर हाथ पैर टूटे और उसकी जान बच गई, तब प्रॉब्लम। इस घर में अंकल को कुर्सी में बैठा कर जैसे आप सेवा करती हैं, उसी तरह मनीषा भी उसे कुर्सी पर बैठा कर सेवा करेगी। ऐसा नजारा आप देखना चाहती? आप एक साड़ी की चॉइस करने में घंटों लगा देती है, कंफ्यूज रहती है कि ये लूं या वो लूं, फिर डिसाइड करती है, और ये तो आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर ये छोटी मोटी बातों को भूल जाए तो लड़का कमाल है, एकदम सुपर सुपर हीरो। भैया अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पंडित जी को बुला लीजिए। शुभ घड़ी कौन सा है तुम ही पूछ लो। ठीक है भाई साहब। बोलो बहू। मेरा दिल कह रहा है ये रिश्ता मनीषा के लिए ठीक नहीं है। बच्ची पढ़ी लिखी है ना, ऐसे लड़के के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ना हो, कोई सर्विस करने वाला लड़का मिलेगा तो भी चलेगा। वो तुम्हारी बेटी है बहू, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जल्दी क्या है, कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। तुम उसे पहले से ही जानते हो? किसी को भी बताना मत। क्या कह रहे हो? वो और मैं अब्रॉड से ही फ्रेंड है। मतलब तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हो है ना? Exactly. Exactly. ऐसा है? इसके लिए तुमने इसके भाई से दोस्ती की, उसके बाद तुम हमारे घर में आए और हमारे घर से तुम यहाँ आ गए और एंटर करने का बहाना ढूंढ लिया। अच्छी तरह पीस रहे हो। करेक्ट है ना? अच्छी तरह पीस रहे हो। I know. सबको तुम अच्छी तरह पीस रहे हो यार। मैं जानता हूँ तुम उन्हीं की तरह मुझे भी पीस रहे हो। तुम्हें तो नचा रहा हूँ। आगे तुम्हारा क्या आइडिया? अगर ये तुम मुझे बता दोगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। टाइम आने पर बता दूंगा। खूब जमेगा। रंग नचाएगा बच्चू, सबको अच्छी तरह से नचाएगा। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबके सब पागल है। मुझे क्या देख रहा है? स्टेपनी निकाल। एक कटिंग लेके आ। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ए क्या लगा रखा है?
वजह से। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता जरा ये सोचो। वो तो ठीक है, नेक्स्ट काउंटर अटैक मेरा ही है ना। एक सुपर आइडिया बताऊं क्या, अगर आप मानो तो? अगर हम अटैक ही ना करें तो कैसा रहेगा बॉस? सोचो, वो इसी डर में रहेंगे कि हम उन पर काउंटर अटैक करेंगे। इसकी तो, अरे वाह, हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, उन्हें डर के मरने दो। बेकार का सरदर्द क्यों, ये दहशत का माहौल, फालतू का मारकाट। वैसे इन आइडियाज के मैं पैसे नहीं लेता बॉस, चाहो तो ले लो। इसका घूमना कभी बंद नहीं होता क्या? ये घूमता ही रहता है, ये कभी रुकता ही नहीं। जब हम रुकते हैं तब ये रुकता है। गाय बैल भी दिन भर काम करके रात को आराम करते होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आप लोगों को किचन की चार दीवारी में बंद होकर घूमते ही देखता हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो पता है इस घर के मर्द कैसे हैं। उनको खुश रखने के लिए तलना भुनना ही हमारा काम है। सुपर, गुड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की लाइफ में चार दीवारी में कैद होना ही लिखा है। सुबह उठते ही नाश्ता, नाश्ते में क्या बनाना इसके लिए डिस्कशन, तब तक लंच टाइम आ जाता है उसके लिए भी एक डिस्कशन, खाना होने के बाद जब चार बजता है तो भजिया तले या पकौड़ा तले इसके लिए भी एक डिस्कशन, फिर उसके बाद एक बड़े से डिनर का टाइम आता है, डिनर के लिए डिस्कशन, मछली बनाए या मुर्गी। एग्जैक्टली, आई नो। हाँ, फिर सूरज उगने के बाद वही सर्कल, वही रूटीन, वही लाइफ। बाप रे, तुम सब 10 साल के बाद अपनी लाइफ का फ्लैशबैक जरा मुड़कर देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ दिखेगा इडली, वड़े, पकौड़े, पूरियां, एटसेट्रा एटसेट्रा। सपने में भी शायद यही सब दिखता होगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए इस रसोई घर को ताला लगा दें। ताला लगा कर मल्लारी होटल से खाना लाकर खाने का प्लान है ना? आइडिया इतना बुरा नहीं। कंटिन्यू कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक हफ्ते के लिए इस रसोई घर को ताला लगा कर कहीं हॉलिडे पर चलते हैं। हॉलिडे? हाँ। वाव, सुपर। आई नो। हॉलिडे पर जाना है? आप तो ऐसे पूछ रहे जिससे मैं चांद पर जाने को कह रहा हूँ। हॉलिडे यहीं आसपास। लेकिन वो, वो क्या? हॉलिडे गए हुए शायद जमाना हो गया है। 25 साल पहले मेरे पति के साथ मैं धर्मस्थल जाकर आई थी। साल पहले थ्री इडियट्स फिल्म देखी थी। बाप रे बाप, इन लोग की हालत बहुत खराब है। इनके लिए शहर का टूर फॉरेन के टूर से कम नहीं है। बड़ी माँ, बड़ी माँ प्लीज चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे परेशान मत कर प्लीज। बड़ी माँ, जाना है तो बड़े पापा और चाचा से परमिशन ले। ओके। सत्ताईस साल से एक ही कुर्सी पर बैठकर जिंदगी के कितने अच्छे पलों को मिस किया आपने। चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमा कर लाता हूं, संसार की सैर करवाता हूं। प्रताप जी, प्रताप जी, प्रताप जी, आपको पता चला क्या? नहीं पता चला। विजय जी सबको एक हफ्ते के लिए बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना। आप भी चलिए ना। कमर कस लो बेटा, ये 6 फीट का कटआउट तुम सबको बस बस बोलने के बावजूद भी नाचना चाहेगा, ये बात यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रही। फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? चाचा जी, चाचा जी, सब लोग घर में रह रहकर एकदम बोर हो गए हैं। चाचा जी, सब लोग मिलकर पिकनिक पे चलेंगे प्लीज। चाचा जी हाँ कह दो ना, आप हाँ कह दोगे तो सभी चलेंगे प्लीज। चाचा जी, यहाँ से एक कदम भी अगर तुमने बाहर निकाला तो बहुत बुरा होगा। जाओ अंदर, सब लोग जाओ। मनीषा दीदी रुक जाइए। सुनो मनीषा, वीरा, आदिशेष और उसके परिवार वाले सुना है श्री शैलजा जा रहे हैं। ऐसे ही मौके की तलाश थी, उन्हीं की लगाई आग से मैं उनके हर एक परिवार वाले की चिता जलाऊंगा। ठीक है, हम भी यहाँ से निकलते हैं। क्या बात है? भाई साहब वहां से निकल चुके हैं। तो फिर हम भी निकलते हैं। ठीक है, चलो। श्री शैला की ओर जाने वाले आदिशेष के परिवार में से एक भी बचना नहीं चाहिए। बचकर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर
उनके मौत की खबर आपको मिलेगी। चाहे बच्चे हो या फिर औरत, उनमें से एक भी ना बचने पाए, काट दो सबको। भरोसा रखिए मालिक, आज उनमें से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। तेरा भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ उसे? शायद उनसे मिस हो गया भाई, लेकिन हमसे मिस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर जल्दी करो। आदिशेष का परिवार खत्म हुआ कि नहीं? बताओ ना जल्दी। ए, बोलना!
मेरी फैमिली सेफ है। शेष और उसके परिवार के मुंह पर खाक डालने के लिए पूरे 100 लोगों को भेजा था मैंने, कमीनों। और अब आकर तुम लोग बता रहे हो कि कोई नकाबपोश आकर हमारे लोगों को मौत की नींद सुला गया। कौन था वो जिसने तुम सबको हिला कर रख दिया, कमीनों? तू बता, तूने कहा था ना कि ऐसा कोई शख्स उस गांव में नहीं है? मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। और तूने क्या कहा था, आदिशेष का परिवार श्री शैला जा रहा है? वीरा, मुझे पता है मेरे हर बार से बाप को बचाने के लिए बेटा कहीं से भी आकर पूरी बाजी ही पलट देता है। इकार है तुम सब पर, तुम जैसे नपुंसकों की फौज बना रखी है मैंने। आदिशेषा, आदिशेषा, आदे। भगवान की दया से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान की नहीं, ये उसकी दया है। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गया, वो यहीं कहीं आसपास है। भैया, अगर आज वो नहीं आता तो शायद भगवान भी हमें नहीं बचा पाते। भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बहू। विजय मेहमान बनकर जब से यहाँ आया है, मनीषा के अंदर बहुत कुछ बदलाव आए हैं। मनीषा को हम खुश देखना चाहते हैं, तो और जरा भी देरी ना करते हुए विजय और मनीषा की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ जी, जब से वो बच्चा इस घर में आया है तब से इस घर में खुशी की लहर फैल गई है। हाँ पापा, मनीषा के लिए विजय से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तुम कौन हो ये मैं पहले नहीं जानती थी। मैंने तुम्हें मेरे घर के हालात बताए तो तुमने यहाँ आकर सबको सही राह दिखाई। यू मेड माई लाइफ जय, आई लव यू। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं कौन हूं क्या हूं ये तुम नहीं जानती। तुम्हारे घर वाले इतने सालों से भूखे भेड़िए की तरह जिसका इंतजार कर रहे हैं, उस आदिशेष का बेटा हूं मैं। प्यार की सौगात लिए तुम्हारे सामने आज अलग ही विजय खड़ा है, बिल्कुल अलग। तुम्हारे परिवार को मौत के मुंह में धकेलना क्यों चाहता था, इसकी वजह पता है? अनी, वन सेकंड, कम हियर, इसे रेडी करो। कम हियर। कमिंग मैम। व्हाई सो क्लम्सी? मैं अभी इसे ठीक करवा देती हूँ। बुके लाई? विजय ला रहे हैं। या ओह गॉड, मेरा ही है। क्यों इतना लेट हुआ? सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे, मेरे आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना माँ। गुलदस्ते हर जगह मिलते, पर आपकी पसंद हर जगह थोड़ी मिलती है। मैडम, चलो जल्दी जाकर तैयार करो। इस परेशानी से मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ ऐसा करने वाला कोई नहीं। मॉम, यू आर ओके? आज तक तुमसे मैंने एक सच छुपा के रखा था, तुम्हारे डैड अब भी जिंदा हैं। मैं उनसे पहली बार फ्लाइट में मिली, उनकी पहली नजर में कुछ अपनापन था, फिर प्यार हो गया। हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे डैड के घर वालों को बताने के लिए हम उनके गांव चले गए। तुम कुछ कहना चाहते थे? आप खाना खाइए बाबूजी, हम बाद में बात करते हैं।
नहीं बस। वक्त और इज्जत दोनों तभी साथ देती है जब हम उसकी इज्जत करें। जो एक बार खो दिया सो खो दिया, समझे? ऐसी बात भी नहीं है बाबूजी। ये देखिए क्या हो गया मालिक, मेरी बच्चे को देखिए क्या हो गया। 3 दिन बाद इसकी शादी थी मालिक। मेरी बच्चे जब खेत से लौट रही थी तो दूसरे गांव के लड़कों ने इसकी इज्जत लूट ली मालिक। ये आपके होते हुए कैसे हो गया मालिक? तेरी बच्ची को तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन हाँ उन दरिंदों का सर मैं जरूर काटूंगा। आप जो कर रहे हैं मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह से गलत है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो एक जिम्मेदार इंसान सही रास्ता बताता है, ना कि गलत रास्ते पर चलने को कहता है। हाथी के मदमस्त होने पर उसे जंजीरों से जकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आदमी हवस का पुजारी बन जाए तो उसे बांधा नहीं जा सकता, सिर्फ काटा जा सकता है। पर आपको यह हक किसने दिया? प्यार के लिए, शांति के लिए जीने वाले तुम्हारे डैड की सोच बहुत ऊंची थी, लेकिन उस गांव के रीति रिवाज कुछ और ही थे। लड़ाई झगड़े से भरा हुआ वो घर, उस गांव से हम दूर चले गए। जब हमने वो घर छोड़ा उसके बाद ही हमारी शादी हुई, और तुम हमारे प्यार की निशानी। उस दिन उनका जन्मदिन था बेटा, वो सारे माहौल को छोड़कर जिस घर से वो बहुत दूर आ गए थे, एक दिन उसी घर से उनको एक फोन आया। किसी शुभ काम से जब तुम्हारे दादाजी अपने महल वापस लौट रहे थे, तब दूसरे गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी की हुई गलती की वजह से दो गांवों के बीच वर्षों से खून खराबा होता आ रहा है। छोटी सी चिंगारी ऐसी भड़की कि दोनों गांव बदले की आग में जलकर राख हो गए। दोनों गांव के लोगों के दिलों में नफरत की ज्वाला भड़कने लगी थी। मालिक, हमारे हाथ में एक ही आया है, बाकी सब बचकर निकल गए मालिक। उनके परिवार में एक भी बचा रहेगा तो कभी भी सर उठाकर हम पर हमला कर सकता है मालिक। हमला तो वो तब करेंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। उठाओ मालिक, तलवार उठाओ। जान हमारे पिताजी की गई है, तुम्हें क्या परेशानी? अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को मारते रहे तो आखिर बचेगा कौन? इंसानियत के नाम पर जानवर मत बनिए, इंसान ही बने रहिए। वो आपकी तरह नहीं सोचते भाई, हमें हमारी सोच सही रखनी है, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। हमारी जिंदगी आप पर निर्भर है, आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। और तुम्हारे घर वालों का क्या, अगर तुम नहीं रहे तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे। जरा ये बात सोच के देखो, आज के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कोई हमला नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने भी करने का सोचा तो मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूं, इस घर का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। आप जा सकते हैं। अब चलना चाहिए। पर कहां? हमारे घर। क्या ये हमारा घर नहीं है? ऐसे नाजुक वक्त पर हम लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। अगर गांव छोड़कर गए तो ये लोग फिर हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। हमारे इस गांव से बाहर जाते ही ये लोग इसे कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे, इसलिए हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि हम उनके दिलों से नफरत मिटा सके, हम उन्हें फिर से इंसान बना सके। उन्हें इंसान बनाने की कोशिश में आपके हाथ में तलवार देकर आपको हैवान न बना दे, इस बात का मुझे डर है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आपके आस पास रहने वालों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं ये गाँव और इन गाँव वालों को इस वक्त छोड़कर नहीं जा सकता। ये गांव और गांव वाले चाहिए, या मैं और हमारा बच्चा चाहिए? सोच कर बताइएगा। भाभी इस गांव से जा रही है, बच्चा इन्हें लौटा दीजिए।
गांव वालों की खातिर तुम्हारे डैड ने हमें अपने आप से दूर किया। ये बात को अगर भूल जाए तो उनके जैसा कोई नहीं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। इतनी मेहनत से तुझे हर बार सजाती हूँ, फिर भी तुझे कोई पसंद नहीं करता। सिंधु, मुझे शक है तेरी किस्मत में शादी लिखी भी है या नहीं। आंटी, क्या है? जरूर होगी। कब होगी? जितना मैंने तेरा मेकअप किया है उतना मैं अपने आप को करती, अब तक तो मुझे मिस इंडिया का अवार्ड मिल जाता। अब भी कोशिश कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे सुन, मुझे अवार्ड या ताज अपने सर पर नहीं सजाना है, तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाने की तमन्ना है। बचपन से आपकी मर्जी के स्कूल में गई, आपकी मर्जी के कपड़े पहने, जो आपने बोला वो किया, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे पसंद आएगा। तेरा मनपसंद लड़का पता नहीं, चलो निकलो यहाँ से। मिलेगा जो लड़का मुझसे शादी करेगा वो पागलों की तरह प्यार करेगा। मैं भी पागल से कम थोड़ी हूँ। किसी मत दिखा। ए, छोटे दोस्त, रुक जा। क्या मैं प्यार में पागल नहीं हो सकता? ए ढीले, पागलों की हद तक प्यार करने वाला चाहिए, ऐसा उसने कहा, सच का पागल नहीं। ये वाला वायलेंट किड है, साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज कर लो। यू शट अप, तेरे पेट में आग लगी है ना, ये ले खा। बात क्या है? ए छोटे, तू सच बोल, मैं फिल्म स्टार जैसा नहीं दिखता? फिल्म स्टार तू भले ही ना दिखे, लेकिन जोकर जरूर दिखता है। आजकल फिल्मों में जोकर की वैल्यू हीरो से ज्यादा है। ज्यादा फुदक मत प्यारे, जो लड़का आ रहा है वो अमेरिका रिटर्न है, पता है? पता है, पता है मुझे। अब सुन, वो मेरी है, उसकी जिंदगी का राही मैं हूँ, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। पागलपन जाने तक तेरी शादी नहीं होगी, शादी होने तक पागलपन नहीं जाएगा। अबे तू तो, तू डॉक्टर से शादी करेगी या इंजीनियर से शादी करेगी मैं नहीं जानती, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज जो भी तेरे लिए रिश्ता आया है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। मैं तुम्हारी दर्द को समझ रही हूँ, ये रिश्ता पक्का हो जाए इसके लिए मैं प्रार्थना करके आती हूँ। अरे वाह वाह, भगवान तेरा भला करे। कोई देख लेगा तो हम दोनों की बदनामी हो जाएगी, मेरा खुद खुशी करने का मन कर रहा, समझती क्यों नहीं हो? कितनी डरपोक हो, मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद करने की बजाय तुम खुदकुशी करना चाहते हो। लगता है वो आ गया, चलो चलो उतरो। क्या कहना है, याद है ना? अच्छे से याद है, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच में मत आओ। यही कहकर तो अब तक हम चार रिश्ते तोड़ चुके हैं। चलो अब जाओ, जल्दी करो। ये तो हीरो निकला यार, बहुत हैंडसम है ना, पर मुझे शादी नहीं करनी है, चलो जाओ। आप आदिशेष जी के घर की तरफ जा रहे हैं ना, तो आगे मत जाइए, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आ जाता। आप जिस लड़की को देखने जा रहे हैं वो यही है, बहुत प्यारी है ना। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, भगवान के लिए आप हमारे रिश्ते के बीच में आकर हमारे प्यार की चिता मत जलाइए। आप अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमाकर फुल स्पीड में चले जाओगे तो हम आपको अपना भगवान समझकर धन्यवाद देंगे। जाओगे ना? हेलो, वो कौन है? भाई साहब, आप आदिशेष जी के घर जा रहे हैं? वेल, जिस लड़की को आप देखना है वो ये है। ये है? या बात ये है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब वापस लौट जाएंगे तो इनका प्यार सक्सेस हो जाएगा, यही कहने के लिए यहाँ है। करेक्ट, वेरी गुड, सुपर। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है, आई नो, बट ये लड़की इससे प्यार करती है, सो ओह शिट, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। क्या बात है, सब खाली करवा करके गोदाम में ले जाओ, यहाँ कुछ बचा है तो उसे भी लेकर के जाओ, समझ में आया? हाँ। कौन हो तुम? आदिशेष जी का बेटा हूँ। मालिक मालिक, छोटे छोटे मालिक आ गए। पिताजी है तुम्हारे? चाची। हेलो, हमारा चाय
तुझे इतने सालों बाद हमारी याद आई। माँ कहाँ है? बिजी थी इसलिए वो नहीं आ पाई। यहाँ कैसे आई? ये तो उसी की कार है ना? क्या बात है, सब लोग एक ही जगह पर जमा होकर बात कर रहे हैं। सबको पता चल गया क्या? अब तू कहाँ जा रहा है? मैं कहीं जा रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? चुपचाप खड़े रहे, हमने जो भी किया साथ मिलकर किया। क्या मिलकर किया? जो किया तुमने किया, मुझे तो बेकार इसमें फंसा दिया और ये अलग खड़ा कर दिया। अंदर चल। तुझे तो मैं। नमस्ते, नमस्ते, नाइस गैदरिंग, शांति निवास, वेरी गुड। तू आगे चल। अरे ऐसी क्या देख रही है बेटी, ये जय है तुम्हारे बचपन का दोस्त। अंदर चल बेटा। नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम्हारी माँ कैसी है? शी इज फाइन सर। बस एक ये ही बुरी आदत है, डेली एक पैक तो चाहिए होता है। 20 साल से बस यही मेरी कंपनी है। तुम लोगे? नो नो सर, थैंक्स। तुम पीते नहीं हो या फिर मेरे सामने नहीं पी रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं पीता ही नहीं। थैंक यू। ठीक है, वैसे करते क्या हो? आई एम एन आर्किटेक्ट सर। ओह गुड। रात बहुत हो गई, मैं सोना चाहता हूँ। गुड नाइट सर। विजय जी, तुम यहीं सो जाओ ना, पता नहीं ऊपर एडजस्ट हो पाओगे या नहीं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, थैंक्स। गुड नाइट सर। मैंने जैसा कहा वैसा पैक करवाया ना? हाँ बिल्कुल वैसा ही। क्या कर रही हो बेटा? भैया तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने उनकी कॉफी पी या नहीं ये देख रही थी। घर वाले कभी भी कॉफी मांगे तुम लाकर नहीं देती हो, और उसकी कॉफी की तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। ये गिफ्ट किसके लिए? जय के लिए, बाहर से मंगाए हैं, इन्हें हाथ मत लगाना। उसके गिफ्ट को तो मेरी जूती भी ना छुए। ये किस लिए? रिवाज है। ओके, थैंक यू। मेरी दाल। घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। टोटली बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसे सालों से गांव वाले एक त्योहार की तरह मनाते आए हैं।
एक किसान से अगर उसकी मेहनत से उगाई फसल प्यार से मांगोगे तो वो दान कर सकता है, लेकिन गांव की 150 एकड़ उपजाऊ जमीन अगर आप लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगोगे तो वो गलत है। सुना है तुम्हारे गांव में अच्छी कीमत में मिलती है, वो कीमत हम चुका देंगे, पहले सौदा तो डन करो। ए, तुम किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है? तुम्हें पता है ना हमें किसने भेजा है? वीर भाई ने। जो कहते हैं वो करो, तभी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए जो दुश्मनी है ना वो थोड़ी कम होगी। ऐसा करके अगर दुश्मनी कम हो तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि अपने किसानों की जिंदगी का सौदा करूं। उनकी जिंदगी की जो भी कीमत हम दे देंगे। अगर एक इंसान का हाथ काट दो फिर उसके सामने कुछ खाने को रख दो तो क्या फायदा? मेहनत एक किसान को मांग के खाने पे मजबूर मत। हाँ, लेकिन वो ये बहुत दूर से आए हैं, कुछ जलपान का इंतजाम करो। अब तक हाथ और मुंह पर ताला लगाकर चुप बैठे ही थे ना, वैसे ही बैठे रहो। ये रौब कहां से लेकर आए हो? ये बात अगर भाई को पता चल गई ना तो जो लोग तुम्हें आज भगवान मानते हैं उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल करवाएंगे। आप लोग बात करने आए थे ना, बात खत्म हो चुकी है, अब जाइए। घर पर और उस घर के बड़े लोगों पर विश्वास करके पूरा गांव हिम्मत से जी रहा है। 4-6 मुष्टंडों को लाकर ऐसे इंसान को धमकाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उनकी शराफत है कि तुम लोग इस गांव की सरहद पार करके उनकी चौखट पर आकर सिंधा जा रहे हो। 27 साल तक एक इंसाफ था, लेकिन आज इंसाफ बदल गया है। जाकर उससे कहो कि उनका बेटा आ गया, बेटा आ गया। जाकर भाई के सिद्धांतों के खातिर सिर झुकाते आ रहे हैं। हमें इंतजार था कि हमारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए एक जाबाज शेर कब आएगा। हमारा एक खून 6 फीट का जाबाज शेर बनकर आएगा, ये हमें पता नहीं था। ये बात किसी भी सूरत में भाई को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी जान ले लेंगे। डर कर बिल में छुप कर बैठने वालों में से नहीं है वो आदिशेष। अगर हमने लफड़े को आगे बढ़ाया तो वो मरने को भी तैयार हैं और मारने को भी। कॉफी। थैंक यू। क्यों जे, तुम
तुम बचपन से ही शहर में पले बड़े हो ना, एकदम फॉरेन स्टाइल में, हमारा गांव कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है ना? शहर से ज्यादा अच्छा है। आंटी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। किस लिए? शादी के लिए। उनकी शादी को तो 29 साल हो गए। भोंदू हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ एक थी। थी मतलब? उसकी शादी हो गई। अच्छी बात है, मेरा रास्ता साफ हो गया। सॉरी। क्या हुआ? मैं तो यार मजाक कर रही थी। अच्छा तुमसे शादी करने वाली कैसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ सोच रखा है क्या तुमने? क्या कि मैं थोड़ा लंबा हूँ ना, तो वो भी थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए ना। हाइट का क्या अचार बनाकर खाओगे? मेरी तरह तंदुरुस्त होनी चाहिए और खूबसूरत भी, समझ गए ना? आगे बोलो। लड़की जरा मॉडर्न होनी चाहिए। मॉडर्न? कैसी मॉडर्न? वाट लगानी है? देखो जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो पब या पार्टी का बहाना बनाकर चली जाएगी, उसके बाद पछताओगे ना, दिमाग में भूसा भरा है क्या? उसकी जगह किसी गांव की लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारा और बच्चों का बिना घर से बाहर के ख्याल रखेगी। सोच के देखो, आगे बोलो। कोई अनाथ लड़की मिल जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि वो मेरे माँ बाप की अच्छे से सेवा करेगी। अरे जिसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा वो तुम्हें प्यार क्या देगी? तुम खानदानी लड़की से शादी करोगे तो वो रिश्तों की कीमत जानेगी, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखेगी। एक बार चांस देकर ऐसी लड़की को अपने दिल में बसा कर देखो। आगे बोलो। एक मिनट, ये किस लिए? पेट में चूहे कूद रहे हो तो इसे खाना चाहिए। अच्छा तुम और कपिल भी प्यार करते हो ना? घर वालों से बात करके शादी कर लो। लव? वो भी उससे? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मजाक था, मैंने उसे उस नजर से कभी नहीं देखा, वो मेरे भाई समान है। इतनी लोगों की वजह से आदिशेष किसी को कुछ नहीं समझता। सुबह होने से पहले सब राख हो जाएगा, फिर देखते हैं वो क्या करता है। हमारे दो घरों की दुश्मनी दो गांव के बीच बिल्कुल ना फैले, इसलिए 27 साल से काफी चीजें देखकर अनदेखी कर रहा हूं। ये हम पर नफरत की आग उगलते रहे हैं, लेकिन आज तक हमने सिर्फ सहने के अलावा इन पर कभी हमला नहीं किया। कल रात को अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पूरा गांव शमशान में बदल जाता। फसल कट गई ना, तुम्हारे लोगों ने ही नशे में आग लगाई होगी। एसपी साहब, छोटे बड़ों की परवाह किए बिना सुनी सुनाई बात का भरोसा करके हमें यहाँ तक नहीं बुलाना चाहिए था। अगली बार ध्यान रखिएगा। चलता हूँ एसपी साहब। सॉरी आदिशेष जी, मैं जानता हूँ ये हरकत इन्हीं लोगों ने की है, फिर भी मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। छोड़िए एसपी साहब, सूरज तो शाम तक शांत हो जाता है, लेकिन इनकी नफरत कब शांत होगी मैं नहीं जानता। चलता हूँ। उस गांव के गर्म खून वाले सोचा था हमसे दो दो हाथ करेंगे, लेकिन ये तो पुलिस के पास रोते हुए चले गए। इस बार तो सिर्फ घर ही जला है, क्या पता अगली बार घर वाले भी जल जाए। चले जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तुम लोग हमारे गांव में घुसने से पहले पूरी प्लानिंग करते हो, लेकिन मैंने सीधे तेरे गांव में घुसकर तेरी गर्दन को तपोचा है। दोबारा कभी मेरे गांव वालों पर हमला करने की कोशिश की तो खाक में मिला दूंगा। लेटा तो ही जाओ, सो जाओ। जी। जय, कहां से आ रहे हो? जय के कुछ दोस्त यहाँ पास के गांव में आए थे, तो इसका उनसे मिलने का मन किया तो मिला है। जय। पापा, गांव की हालत कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं होगा। तुम कौन हो इस बात का अगर उन गांव वालों को पता ना चले तो ही बेहतर है। ठीक है पापा। उनके घर में घुसकर मारने पर भी उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, तो उनके गांव में ऐसा कौन आ गया जिसकी इतनी हिम्मत की मुझे ललकारे? ये कोई आम इंसान नहीं है, कौन है वो जिसकी मौत मेरे हाथ लिखी है?
वो आदिशेष का बेटा है भाई। अब बहुत संभल कर रहना होगा, अपने को भारी ना पड़ जाए। अगर उस गांव की तरफ नजर उठाई तो सिर्फ हमारी गर्दन नहीं जाएगी, पूरी तरह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ रहता है वो? वो अपनी माँ के साथ रहता है, आजकल सुना है गांव में घूमने आया है। हमारे इतने सालों की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, इससे पहले कि उसका उबलता खून उसके गांव के सोए लोगों को जगाए, खत्म कर दो उसे। ए छोटे, बचपन से मैंने उसे अपना माना था, लेकिन आज वो किसी और के पास जा रही है। और कहाँ जा रही है, काम पर जा रही है वो। ओ, वो इतनी पढ़ी लिखी है ना कि उसे कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, जैम और मुझ में क्या फर्क है? मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है? फर्क क्या है? ए, मुझ पर थूका। गलती से, बैठ जाइए, तुम दोनों के फर्क की बात करते हैं। उसकी हाइट। बूट पहनूंगा तो मैं भी उसके बराबर लगूंगा। अरे तू खड़ा रहेगा और वो बैठा रहेगा, फिर भी मैच नहीं होगा, तेरा और उसका लेवल कहाँ है? टॉपिक चेंज, नेक्स्ट। रंग। अरे लेकिन वो तो... मैं मेहनत करता हूँ, वरना मेरा रंग भी गोरा था। तेरा? ये टॉपिक भी मैंने छोड़ दिया, चलो नेक्स्ट। पढ़ाई। वापिस बैठ, बैठ जा। इसने पढ़ाई की है क्या? बता के बेइज्जती नहीं करना चाहता। नेक्स्ट। नौकरी। बैठो, बैठो। सब उठकर भाग रहे हैं, पढ़े लिखे कोई काम मिलता है क्या? बिल्कुल। तो फिर ये टॉपिक भी जाने दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या बोलो? सब कुछ तू जाने दे रहा है तो अब बात करने के लिए बचा क्या है? तू एक काम कर, सीधा उसके पास जाकर तेरे दिल की बात बता दे, आर या पार, समझ गए ना? रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। तुम्हें अचानक क्या जरूरी बात करनी है, जल्दी बोलो। मुझे शर्म आ रही है। बताना है या नहीं? मैं तुमसे क्या है? मुझे बहुत शर्म आ रही है, कैसे बताऊं, कहां से शुरू करूं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे प्यार हो गया, बचपन से तुम्हें देखते ही मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरा दिल, मेरी धड़कन है, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। कह दूं क्या? I love you। अरे बाबू, फिर से बोल। I love you चाचा। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कभी कभार इसे हवाई दौरे पड़ते रहते हैं। अरे लेट हो रहा है, चल अंदर बैठ। हाँ ठीक है। अरे सुन, चल चल, ज्यादा उछल कूद मत करना, काम में हाथ बटाना, ठीक है? बाय। आप अभी विजय की बड़ी दीदी जैसी लग रही हो। जरा देख कर आओ तैयार हुआ है कि नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। बेटी जी, गांव के हालात अभी भी पहले जैसी ही है क्या? बिल्कुल बदल चुके हैं, आपके पति के होते हुए सब कुछ शांत है। मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग किशोर, इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, जरा इन्हें हेल्प करना। थैंक्स, कम योर केबिन। अरे अरे मेरे केबिन। चलो, सो वी आर ट्राइंग टू जस्ट 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 टेक इट आउट। आई विल गेट इट फॉर यू। सर क्या है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ना। क्या बातें हो रही थी? सर उसकी नई नई ज्वाइनिंग है ना, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा काम समझा दूं। वो काम करने के लिए आई है? किसने कहा? वो जस्ट टाइम पास करने के लिए आई है। तुम अपने ही काम पर फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। सर वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है। वो बिल्ली कुत्ता हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती है। अपनी सारी फाइल्स लेकर मेरे सामने ही आ जाओ, मेरी कैबिन में। ओके ओके सर। हाँ जी सर, अब जाओ। श्योर सर। ए किशोर। हाँ किशोर। आपको किससे मिलना है? वो हमारे गांव से एक लड़का यहाँ पर आया हुआ है, हम उनसे मिलने आए हैं। फिलहाल वो घर पर नहीं है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप अंदर बैठिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, हम उनको बुला के लाते हैं। हाँ, ठीक है सर। अगर उसे धूल चटाने की हिम्मत रखता है तो ही अकेला जाना शिवा।
क्योंकि अगर वो बच गया ना तो समझ ले तो उसकी तरफदारी करना बंद करेगा। ये पकड़ो। भैया आपके गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए थे, उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा तो वो अपने बाकी लोगों से मिलने चले गए। तीस लोग यहाँ से गए थे और सिर्फ तीन लोग लौट कर आए हैं, वो इंसान ही है ना? वो इंसान नहीं शेर है। उस शेर का सर मैं काटूंगा। वो कहाँ है? यहीं उसे दफन करूंगा। लगता है ये सब मरने वाले हैं। मैं तो यहाँ से निकल लेता हूँ। हेलो आंटी। हाँ बेटी। घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं विजय को पसंद करती हूँ। घर वालों को कैसे बताऊँ खुद समझ नहीं आ रहा। विजय के अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। अब आप ही कुछ कीजिए। फिर से वो लंबू आ गया। उन लोगों को तुम बहुत पसंद आई बेटी। अमेरिका से रिश्ता है बेटा, उसने तुम्हें बहुत पसंद किया है। आज तुम्हारे पिताजी कितने खुश होंगे। हमेशा खुश रहो बेटा। रिश्ता अमेरिका का हो या बड़े घर का, ये वहां खुश नहीं रहेगी अंकल। इसे ऐसा लड़का चाहिए जो इसे प्यार करे। अपनी आंखों से दूर भेजने से बेहतर है नजदीक का रिश्ता देखो अंकल। कोई ऐसा काबिल लड़का देखो जो इसे भी पसंद आए, जिस पर इसे प्यार आए। आपके जिगरी दोस्त की बेटी की जिंदगी का सवाल है। यह बहुत प्यारी लड़की है। इसको समझकर अगर कोई सही प्यार करने वाला मिले तो यह खुश रहेगी। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद हमने इसे बिल्कुल हमारी बेटी की तरह पाला। हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही इच्छा है कि ये खुश रहे। एक मौका देकर देखो, अपने दिल में जगा दो। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग सब कैसे हो? बातें तो होती रहेंगी, आप पहले अंदर तो चलिए। तुम कैसे हो आदि? ये जानती थी कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारे दिल को कोई नहीं बदल सकता। ये उम्मीद लेकर मैं तुमसे दूर चली गई। कोई भी पत्नी अपने पति पर ऐसा जुल्म नहीं करेगी, लेकिन मैंने वो गुनाह किया है। माना कि मैं तुमसे दूर रही, फिर भी हमारे बच्चे को तुम्हारे जैसा बनाया, प्यार का मिसाल बनाया। जब तक जिंदगी है तब तक तुम्हें और इस गांव को छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दो आदी। तुम्हारी आंखें क्या देखने के लिए तरस रही है मैं जानता हूं। तुम्हारा यह हाल करने वाले का खून लाकर मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। क्या हुआ जी? अरे अरे सुनिए तो, खाना तो खाकर जाइए। अरे
एसपी साहब। शादी की तैयारी में आपने कोई कमी नहीं रखी। मेरा एक ही तो बेटा है। उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। इतने साल से आपके शांत स्वभाव की वजह से इस गांव में कोई खून खराबा नहीं हुआ है, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया है और उसकी वजह है आपका बेटा जय। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जंगल में लगी हुई आग को बुझाने की जिम्मेदारी अब आपकी है सर। तो मैं चलता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको एक साथ मौत की नींद सुला दूंगा। जब तक वो जिंदा है किसी का बाल भी बांका नहीं होने देगा। पहला बार उसकी गर्दन पर होना चाहिए। जो कोई भी मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ घंटों के लिए अपने उसूल आदर्श को एक तरफ रख दीजिए। 27 सालों से जो युद्ध खत्म नहीं हुआ उसे मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। हमें बस कुछ घंटों की मोहलत ही चाहिए भाई, आप अंदर जाइए। जैसे छोटे मालिक कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। हमारी मालकिन की चिता बुझने से पहले हम उस गाँव को शमशान बना देंगे।
मैंने क्या पाप किया था जो तुम जैसी औलाद पैदा हुई? मैंने इस गांव के सुकून और शांति के लिए पिछले 27 सालों तक एक बार भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा। किस लिए? इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए। लेकिन इन पर आज तेरा साया पड़ते ही ये फिर से जानवर बन गए हैं। तुझे तो बड़ी मोहब्बत से पाला था, प्यार की मूरत बना के पाला, ये बात तेरी माँ ने मुझसे कही, लेकिन तूने तेरी माँ को गलत साबित कर दिया। वो जिस डर की वजह से ये गांव छोड़कर गई थी, आज वो डर सच हो गया। तूने उसे इस दुनिया से ही उठवा दिया। अगर मुझे पता होता कि ये गांव तेरी वजह से बिगड़ जाएगा तो मैं तुझे दूसरे दिन यहां से वापस भिजवा देता। अगर पता होता कि तू उसकी मौत की वजह बनेगा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देता। उसके बदले मैं खुद तेरी जान ले लेता। जा, तू हमें और इस गांव को छोड़कर चला जा। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। कल अगर मैं मर भी जाऊं, मेरी चिता को आग देने मत आना। उस दिन मेरे पापा की बातों से मैं हर्ट हुआ, लेकिन उनकी बातें सच थीं। मैं उस गांव में नहीं जाता तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब कभी भी उस गांव में नहीं जाना, इसलिए फॉरेन लौटने का फैसला किया है मैंने। मेरी शुरू की हुई प्रॉब्लम मुझे ही खत्म करनी है। तभी तुम मुझे मिली मनीषा, एक अच्छी दोस्त बनकर। तुम्हारे जरिए तुम्हारे भाई से मिला। मनीषा, मैं मानता हूं इसमें मेरा ही स्वार्थ है, मतलब है, लेकिन मकसद भी है। आज हमारा घर कितना बदल गया है, सब कितने खुश हैं, और इसकी वजह तुम हो। तुमने बहुत किया जय, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हारी जान को दांव पर नहीं लगा सकती। तुम इस गांव में रहोगे तो पता नहीं क्या होगा, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है जय। इतिहास रचते वक्त बहुत सी बाधाएं आती है मनीषा, लेकिन पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। मालिक चंदू ने पैसे लौटा दिए और उसका ब्याज जो बनता है इसमें। विजय, तुमसे कुछ बात करनी है। आजकल सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी खुश हूं। पूरे परिवार वाले तुम्हें इस घर का दामाद बनाना चाहते हैं। हमारे घर की बेटी हमारी तरह कठोर दिल की नहीं है, बहुत नाजुक है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने मम्मी पापा को बुला लो, शादी की बात करनी है। तेरा मकसद तो अब पूरा होने ही वाला है। उसे भी तुझ जैसा ही कोई चाहिए था जिसमें मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो। घर वालों को तू पसंद कैसे आ गया? इस बात को आप जरा साइड में रखिए, आप मर्द और मर्दानगी की बात ना करें। आपकी नजरों में मर्द कौन है? लड़कियों की तरह हंसने वाला जिसके जिस्म में गर्म खून ना हो वो मर्द नहीं होता। जिसकी बाजुओं में दुश्मन को ढेर करने की ताकत हो वो होता है असली मर्द। जो शेर की तरह बिना हथियार के अपने एक ही वार से दुश्मनों को धूल चटा दे वो कहलाता है असली मर्द। हाँ। एक दूसरे को मारना काटना यही मर्दानगी है? हाँ? ये सब राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, उन सब की समाधियां बन चुकी हैं। ये सब क्या लगा रखा है? दम, जिगर, प्यार से दुश्मन का दिल जीतना, यही मर्दानगी है। उसके लिए यहाँ तम चाहिए। ट्राई करना चाहेगा? भाई, इसकी मर्दानगी सिर्फ इसकी बातों में है। लड़ाई की बात करो तो ये लड़कियों की तरह बहाने बनाता है। ए, दुश्मनों को मोहब्बत से जीतने का उसूल तूने बनाया होगा, हमारा तो उसूल है दुश्मन से नफरत और सिर्फ नफरत। रातों के भूत बातों से नहीं मानते।
इसी बोल बच्चन वाली सारी मर्दानगी हवा बनाकर हवा में उड़ा दे भाई। तुमने जो कहा वो मैंने किया, अब जो मैंने कहा वो करो। तेरी पिटाई से मेरा हर एक आदमी हॉस्पिटल की खटिया पकड़ चुका है। डॉक्टर कहता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं। वाह, मुझे तेरी ही तलाश थी। वाह, तेरे अंदर मुझ जैसी ही हिम्मत है। मनीषा के लिए तू बिल्कुल सही है। अब तू मेरा सपना पूरा करेगा और मेरे दुश्मन के बेटे को मारेगा जिससे मैंने पहली और आखिरी बार मात खाई है। उसे दफन करने का छोटा सा काम कर दे, मैं जिंदगी भर तेरे कदमों में पड़ा रहूंगा। यह वादा है मेरा। तुम नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। तुम बदल ही नहीं सकते। उस घर के लोगों पर हाथ उठाने के बदले तुम्हारी नींद हराम करने वाला वो मर्द मर गया है। उस घर के लोगों पर हमला करने की वजह से तुम्हारी गर्दन को अपने हाथों में दबोचने वाला शेर इस वक्त शांत बैठा है। सब कुछ खोने के बाद एक प्यार की मूर्ति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। दामाद बनाना चाहते हो ना? जानते हो ये कौन है? इस घर को शमशान बनाने के लिए आया हुआ आदिशेष का बेटा है ये। सुनो सुनो सुनो, मेरे सीने पर कान लगाकर सुनो। तेरी जान लेने के लिए मेरा ये दिल किस तरह नफरत से तड़प रहा है सुनो। तूने मेरे घर वालों को धोखा दिया, मोहब्बत का जहर पिलाकर उनका दिल जीता है तूने। आज तेरी हड्डी पसली तोड़ कर रहूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। Thank you.
तेरे गांव वाले, तेरे घर वाले, तेरी माँ, तेरे बाप में तेरी जान बसी है ना, उनके लिए तेरा खून हमेशा खौलता रहता है ना। जिस तरह तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को काटा था, उसी तरह तेरे बाप को भी मारूंगा। शादी के माहौल में घुसकर मेरी माँ को मारने के बाद भी तू जिंदा बचा है, इससे तू अपनी मर्दानगी समझता है और आज कह रहा है कि मेरे बाप को भी मार डालेगा। उस देवता तक पहुँचने से पहले उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए इस रखवाले को तुझे पार करना होगा। हिम्मत है तो पार करके दिखा। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाने को तुम मर्दानगी समझता है, तो तुझ जैसे मर्दों को चिता पर लिटाने के लिए आज मैंने विष्णु का अवतार लिया। के साथ तेरे घर में घुस गया तो तेरे साथ तेरे सारे कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। क्या हासिल होता तुझे इस सब से? क्या हासिल होता है? मारते मारते यहाँ सिर्फ हथियार रह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं बचेगा, कोई किसी की चिता जलाने वाला नहीं होगा। शुक्र मना कि तुझे तेरे बाल बच्चों का, तेरे परिवार वालों का, खानदान का प्यार मिल रहा है। और क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहिए बोल? मैं आज भी तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तेरा गुरूर और तेरी दुश्मनी ही तेरे लिए सब कुछ है, तो उठा इसे, उठा। मैं खामोश हूं इसका मतलब मुझे बुजदिल मत समझना। ऐसा नहीं कि मैं हाथ नहीं उठा सकता, पर मैं हाथ उठाना नहीं चाहता। अगर दुश्मनी को खत्म करना है तो किसी एक को खामोश रहकर दूसरे को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। तू मर्दानगी के बारे में बात कर रहा था ना, मैं तेरी ही जमीन पर, तेरे ही लोगों के बीच बिल्कुल निहत्था खड़ा हूं। देखा, ये है मर्दानगी। अगर तुझे पता चलता कि ये मेरा बेटा है तो तू उसे मार डालता। ये जानते हुए भी मेरा बेटा तुम लोगों के बीच ही रहा, ये है मर्दानगी। तलवार उठाकर किसी को डराने की बजाय प्यार से किसी एक का दिल जीत कर देख, उसमें है मर्दानगी। तूने इसकी मां को मारा, फिर भी ये तुम्हारे बीच रहा। अगर ये चाहता तो तुम सबका खात्मा एक चुटकी में हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अपने अंदर के गुस्से को अपनी मां की चिता में जलाकर ये तुम्हारे अंदर प्यार जगाने आया था। ये मेरा बेटा है, मैंने उसे खुद से दूर रखा, अपने प्यार से दूर रखा, और ये बिना एक लफ्ज कहे चला गया। दोनों गांवों को मिलाने वाला, दोनों गांवों के बीच खुशियां लाने की कोशिश करने वाला, आप में बदलाव लाने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा है। तेरा सर उड़ाने के लिए मेरे छोटे भाई ने तुझ पर हमला किया था, तो तुझे किसने बचाया था? मेरे बेटे। संभल के, संभल के। वो हमारा गुरु है, तलवार के साए में रहकर भी वो हमें प्यार का पाठ पढ़ाता रहा। वो बच्चा सच्चा दिल वाला है, ऐसे दिल वाले को जिंदा रहना चाहिए। उस दिल में खुदा है, जिस दिल में प्यार है, उसे गले लगाकर सबको जीने दो। यही सही है,
हमारे घर वालों को देखकर हर कोई अपना रास्ता बदल लेता था, कोई भी इज्जत से हाथ जोड़कर सलाम नहीं करता था। आज सारे गांव के लोग हमें चाहने लगे हैं, हमारी इज्जत करने लगे हैं, तो उसकी वजह ये लड़का। ये इतने दिनों तक बिना चोट पहुंचाए हमारे साथ रहा, इसका मतलब ये हमारे खून का प्यासा नहीं, इसे चाहिए तो बस प्यार। छोटे तलवार फेंक दे। प्यार है वीरा, पर खून का नहीं, गुलाल का। तेरे लिए एक लड़की पसंद की थी, वो अब तक तेरा इंतजार कर रही है, जा। बहुत थक गया यार, वैसे भी बहुत लेट हो गया, शादी करने क्या। Beep, 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 beep